मम्मी पापा, मेरी वाइफ का स्वागत तो 56 बॉक्स से ही होगा। वैसे सोनू, तू अपने हस्बैंड का स्वागत कैसे करेगी? हाँ। ए गोगी, सोनू क्यों अपने पति का स्वागत करेगी? हम थोड़ी घर जमाई रखेंगे, सोनू का स्वागत होगा ना। वैसे टप्पू, तू कैसे स्वागत करेगा? तुला क्या करे, वो कैसे भी करेगा ना स्वागत। और इस वक्त हम लोग पोपटलाल की दुल्हन का स्वागत कैसे करें, उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस पे ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों, भविष्य से वर्तमान में लौट आओ। अभी ये सब छोड़ो, अभी पोपट अंकल पे फोकस करो। ओ मेहता साहब, हम तो भविष्य से वर्तमान में आ गए, पर पोपू भविष्य के जो सपने देखता था वो अब वर्तमान में पूरे होंगे। पोपटलाल के जीवन का सबसे बड़ा सपना था शादी करना। हाँ। वो पूरा हो गया। गंगेत घोड़ा नहाल बराबर है, पर क्या बोला? मतलब कि उसकी शादी हो गई। अच्छा, मतलब गई भैंस पानी में। अरे चुकी से पने। अब शादी एकदम नई नई होती है ना, तो पति फोटोग्राफर बन जाता है। और जब नई नई शादी होती है ना, तो दूल्हा दुल्हन एक ही थाली में खाना खाते हैं। अच्छा। मैं और रोशन तो आज भी एक ही थाली में खाना खाते हैं। क्या बात है, अपना पप्पू भी खाएगा। पोपटलाल की नई नई शादी हुई है तो उसका तो काम पे जाने का मन ही नहीं करता होगा। ये लीजिए आपका टिफिन। ये तुम ही रखो। क्यों? क्योंकि आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। 10 दिन से आप काम पे नहीं जा रहे हो, रोज हम घूम ही रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरा बस यही मन करता है कि मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। अरे तू नौकरी चली जाएगी। अरे तो जाने दो, तुम्हारे लिए मैं नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। ये देखो आपके देवर जी क्या कह रहे। क्या? हाँ, मैं भी यही कह रहा था। देवर जी कह रहे हैं कि आज नौकरी पर मत जाइए। देवर जी, पतिदेव जी, घर पे रहने से घर नहीं चलेगा, काम पे तो जाना पड़ेगा ना। ये लीजिए टिफिन और जाइए। अरे अरे, सरदर्द, बहुत बहुत सरदर्द है। तुम आओ भाई, तुम आओ। अरे मैं ऑफिस तो क्या, कंपाउंड तक भी नहीं जा पाऊंगा। काम करो। तुम अपनी मीठी मीठी उंगलियों से मेरे सर पर जरा हाथ घुमा दो तो शायद मेरा सर दर्द भाग जाएगा। सर पर नहीं, कान पर घुमाऊंगी। चलिए उठिए। मैं कहता हूँ अपना पप्पू ना भविष्य का दूसरा पीढ़ू बनेगा। मतलब ये कि अपनी जनानी को, अपनी वाइफ को घर काम में हेल्प करेगा। दोस्तों, मुझे तो एक बात की कल्पना मात्र से बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत मजा आएगा जब अय्यर और बबीता जी मिलेंगे पोपटलाल की नई दुल्हन से। एक ही मातृभाषा के दो लोग मिल जाते हैं तो फिर बाकी लोगों का हाल कैसा होता है? जोक्स जोक्स, तमिल में जोक्स बोला। आप बढ़िया। अरे इधर उनको मामा और नेचर मामा। मामा मीन हूँ रहला यंगर किधर। तमिल भाषा कितनी मीठी है। मुर्गन कोई मिल पकत ले मामा मीन इर किधर। ओ अंग और मांग मरम इर किधर। हाँ मांग मरम इर किले उंग मामा मीन इर किधर। सत्यमा मीनाक्षी इर करा। मीनाक्षी இட்டிடா கிட்டி பிட்டோச்சு கிட்டி சு பிட்டோ சே பிட்டாச்சு இட்டா। अब शीख लगा जब अबजी अब एक मिनट आ
आप लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हम भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप दोनों तमिल में क्या बात कर रहे हो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे भी थोड़ा तो हिंदी में बात करो प्लीज। ओके ओके ओके, अभी हम लोग है ना हिंदी में ही बात करेंगे। நம்ம பேசுறாந்து இவங்களுக்கு புரியல, நம்ம ஹிந்தில பேசலாம். देखना यही सीन होगा। चाची बच्चे वैसे हम लोग अभी यहाँ पे हंस रहे हैं, लेकिन सच में उस वक्त बबीता जी और पोपटलाल का क्या हाल होगा। नहीं अरे भाई, बस बस, अभी पोपट और उसकी पत्नी का गृहस्थ जीवन कैसा होगा, उनके साथ क्या क्या होगा, ये सब बाद में सोचेंगे। हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आगे क्या करना है ये सोचते। अरे हाँ,